आज तो हमारे यहाँ फसलें हो गई ना, ट्यूबवेल है ना सबके। हाँ ट्यूबवेल, वो जब वो मारवाड़ी, हम वो क्या कहते हैं, वो प्याज वाली फसल आती है, वो इस तरफ प्याजों को गाड़ा जाता है, डंडियों को। हम क्या करते हैं, आठ आठ दस दस बारह बारह चौदह चौदह साल की अपनी बच्चियों को भेजते हैं पैसे कमाने के लिए। लानत हो लानत में कहते हैं, एक मासूम एक बालिग होने वाली बच्ची के पैसे घर में आते हैं और तुम अपनी बच्चियों को पराए मर्दों के साथ में खेतों पर भेजते हो और फिर रोते हो कि हमारी रोजी में बरकतें नहीं आती। रखो ना दिलों पर हाथ, इतनी सारी समाज, इतने सारे पंच बने हैं, जवार प्याऊ सबसे ज्यादा भरा है हमारी माओ और बहनों से। कभी तुम बैठे हो पंचायती पर, और तो पंचायतें बहुत करते फिरते हो, वो हो गया ये हो गया पंच फलाए फलाए, कभी इस पर पंचायती की है तुमने कि वो जो औरतें बाजारों में बगैर पर्दों के आते हैं उन पर जुर्माने डाले जाए? नहीं खुलती है ना हमारी जुबानें। और जब बच्ची बालिग हो जाए ना, घर से माँ बाप को भी चाहिए ना निकलने दे। आप हमारे यहाँ फलोदी में, हम जो सिंधी है ना, हमारे घर नंगे हैं, नंगे हमारे घर क्या है, नंगे हैं। आप जैसलमेर जाएं, बाड़मेर जाएं, वो लोग झोपड़ों में रहते हैं, झोपड़ों में, फिर भी उनके घरों के आसपास में वो बाढ़ बनी रहती है, पर्दा होता है घरों का। उनकी माएं बहनें, रास्तों से गुजरने वाले लोग उनकी माओ बहनों पर नजर नहीं पड़ती, इसलिए वो बाड़े बनाते हैं। यहाँ 10 लाख का मकान बनाया, 20 लाख का बनाया, मकान नंगा है, स्नान घर गुसलखाने पास में है, बहनें वहां से नहा करके आती है, बाल नंगे होते हैं। अल्लाह अकबर। अरे माओ बहनों सुनो, तुम्हारे तो आइडियल सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और उसका पर्दा वो पर्दा है कि इंसान तो इंसान, कभी इस चांद और सूरज ने फातिमा का बाल ना देखा था, वही फातिमा कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश करवाने वाली है।